कड़कनाथ एक खस मुर्गा। ये मुर्गा अपने अनोखे काले रंग के लिए मशहूर है। ये इंडिया का एक स्पेशल मुर्गा है जो मध्य प्रदेश के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से आता है। इसकी खासियत इसके रंग और स्वाद में है। इसको हम लोग इसके काले रंग से पहचानते हैं। इसके पंख, त्वचा और मीट सब कुछ काला होता है। इसका मीट भी काला होता है और बहुत टेस्टी होता है। ये मीट अपने यूनिक फ्लेवर और टेक्सचर के लिए जाना जाता है। कड़कनाथ मुर्गा का मीट बहुत हेल्थी होता है। ये मीट हाई प्रोटीन और लो फैट के लिए फेमस है। इसमें प्रोटीन ज्यादा होता है और कोलेस्ट्रॉल कम होता है। ये मीट उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं। ये मुर्गा बहुत सारी बीमारियों से लड़ने में हेल्प करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इसका मीट खाने से बॉडी को ताकत मिलती है। ये मीट एनर्जी बूस्ट करने के लिए भी जाना जाता है। कड़कनाथ मुर्गा पालन करना बहुत बेनिफिशियल है। इसका पालन करने से फार्मर्स को अच्छी इनकम मिल सकती है। ये मुर्गा कम बीमार पड़ता है और जल्दी बढ़ता है। इसकी ग्रोथ रेट भी अच्छी होती है जो फार्मर्स के लिए बेनिफिशियल है। कड़कनाथ मर्ज के एग्स भी बहुत हेल्थी होते हैं। इनमें भी हाई प्रोटीन और लो कोलेस्ट्रॉल होता है। इसलिए कड़कनाथ मुर्गा पालन एक अच्छा बिजनेस बन सकता है। ये बिजनेस सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल दोनों है। साही नासल का चुनाव ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। कड़कनाथ मुर्गा पालन शुरू करने के लिए सही नस्ल का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। सही नस्ल के चिक्स हेल्थी और स्ट्रॉन्ग होते हैं जो आपके फार्म के लिए फायदेमंद होते हैं। अच्छी नस्ल के चिक्स हेल्थी और स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये जल्दी से ग्रो करते हैं और कम बीमार पड़ते हैं। चिक्स खरीदते टाइम उनकी आंखें चमकदार होनी चाहिए। यह उनकी सेहत का एक अच्छा इंडिकेटर है। उन्हें एक्टिव और तेज होना चाहिए। एक्टिव चिक्स ज्यादा हेल्थी और कमजोर नहीं होते। ट्रस्टवर्थी हैचरी से ही चिक्स खरीदें। ये इंश्योर करता है कि आपको क्वालिटी चिक्स मिल रहे हैं। ये इंश्योर करें कि चिक्स किसी बीमारी से इन्फेक्टेड न हो। हेल्थी चिक्स आपके फार्म के लिए बेहतरीन होते हैं। मुर्गों का घर। मुर्गों के लिए एयरी और साफ सुथरा घर बनाना चाहिए। घर ऐसा हो जहां धूप और हवा आ सके। घर के फ्लोर पर लकड़ी का बुर्दा या पुआल बिछाना चाहिए। मुर्गों के बैठने के लिए लकड़ी के दंदे रखें। घर को रेगुलरली साफ करते रहें ताकि बीमारियां न फैलें। सेक्शन 4, सही खुराक का इंपॉर्टेंस। कड़कनाथ मुर्गों को बैलेंस डाइट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हें प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर खाना देना चाहिए। चिक्स को स्टार्टिंग में चिक फीड दें। बड़े मुर्गों को वीट, राइस, कॉर्न, बजरा एक्सेट्रा खिला सकते हैं। हरी सब्जियां और फ्रूट्स भी उनके खाने में इंक्लूड करें। क्लीन वाटर हमेशा अवेलेबल कराएं। सेक्शन 5, सफाई और देखभाल। मुर्गों के घर की सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है। गंदगी से बीमारियां फैल सकती है। मुर्गों के पानी के बर्तन डेली साफ करें। बीमार मुर्गों को हेल्थी मुर्गों से अलग रखें। टाइम टू टाइम वेटरिनेरियन से मुर्गों की चेकअप करवाते रहें। सेक्शन 6, कमाई और प्रेरणा। ये कहानी है उन लोगों की जो अपनी मेहनत और लगन से अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। कड़कनाथ मुर्गा पालन एक प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है। ये मर्ज अपने यूनिक कलर और हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए मशहूर है। इसके मीट की अच्छी प्राइस मिलती है। लोकल मार्केट में इसकी डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। एग्स भी मार्केट में अच्छे प्राइस पर बिकते हैं। ये अंडे अपनी हाई प्रोटीन कंटेंट के लिए जाने जाते हैं। राम सिंह, एक फार्मर, ने कड़कनाथ मुर्गा पालन करके अपनी इनकम डबल कर ली। उसने अपने परिवार के लिए एक नई राह ढूंढी। आप भी मेहनत और लगन से ये बिजनेस कर सकते हैं और अपनी इकोनॉमिक कंडीशन स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। कड़कनाथ मुर्गा पालन से आप अपने सपने साकार कर सकते हैं।